लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई. A few moments later. Well, ये नंबर तो रुकने से रहे, because pi is a irrational number और irrational number non-terminating and non-repeating होता है. Sir, but pi की इतनी बड़ी वैल्यू कोई भी साइज के सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करती है? Nice question. चलो इसको समझते हैं. ज्योमेट्री में कितने सारे फिगर्स होते हैं? ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड मेनी मोर. बट हम लोग पाई की वैल्यू ओनली सर्कल में क्यों यूज करते हैं? चलो इसको समझने के लिए हम एक रियल वाला सर्कल ही ले लेते हैं, ठीक है? ये इस सर्कल का कुछ डायमीटर होगा, बराबर. और क्या आपको पता है जो पाई की वैल्यू होती है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बाय डायमीटर होती है? चलो इसको चेक करने के लिए ना इस थ्रेड को हम लोग क्या करेंगे, इसके सर्कमफेरेंस पे चेक करेंगे कितने बार में ये रोटेट होता है. जैसे एक हो गया, ये यहां से हमने शुरू किया यहां तक एक हो गया, राइट. अब यहां पे एक मार्क कर देते हैं हम लोग, देखो यहां तक आ गया वन. फिर उसके बाद यहां से पकड़ेंगे यहां तक ले जाएंगे, यहां पे फिर से एक मार्क कर देंगे दो, राइट. अब फिर से यहां से पकड़ेंगे और इसको यहां तक लेके जाएंगे, अब यहां पे फिर से एक मार्क कर देंगे, तो ये हो गया तीन. और ये जो इतनी जगह बची है, जो ये इतनी जगह बची है, इसको हम लोग राउंड फिगर में 0.14 लेते हैं. आपको ये बात समझ में आई क्या? तो फिर पाई की वैल्यू क्या बनी? 3.14, या फिर हम इसको 22/7 भी लिख सकते हैं. सर आपने कहा था कि पाई की वैल्यू इरेशनल नंबर है, बराबर. तो फिर हम इसको किसी भी रेशो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. वेल चलो इसको भी समझ लेते हैं. इसे समझने के लिए हमने एक छोटा सा सर्कल लिया है, राइट. अब इसका हम लोग सर्कमफेरेंस मेजर कर लेंगे. इसको मार्क कर दिया हमने, ठीक है. अब ये चेक कर लेते हैं स्केल की हेल्प से कि ये कितना है. अब यहां से अगर गिनेंगे इसको तो लगभग 22 सेंटीमीटर का आ रहा है, बराबर. तो इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो कितना है? 22 सेंटीमीटर. अब इसका हम लोग डायमीटर भी मेजर कर लेते हैं, 7 सेंटीमीटर आ रहा है. इसीलिए हम लोग पाई की वैल्यू कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 22/7 लेते हैं. समझ में आया?